दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच में होने वाले पहले T20 मुकाबले के लिए टीम इंडिया के नए नवेले T20 के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने भारतीय टीम की खतरनाक प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। जहां पर टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नए खिलाड़ियों को खेलने का मौका दिया है। और दोस्तों आपको बता दें कि पहले T20 मुकाबले के लिए बांग्लादेश के खिलाफ भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 7 नए खिलाड़ियों को टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में खेलने का मौका दिया है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि BCCI ने टीम इंडिया का बांग्लादेश के खिलाफ स्क्वाड घोषित करते हुए 5 खतरनाक खिलाड़ियों को टीम इंडिया के स्क्वाड से बाहर का रास्ता दिखा दिया था, जिनमें से सुमन गिल, यशस्वी जायसवाल, मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह और ऋषभ पंत को भारतीय टीम के स्क्वाड से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। और टीम इंडिया के 15 सदस्यों के स्क्वाड में नए खिलाड़ियों को शामिल किया गया था। लेकिन दोस्तों इन्हीं में से भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पहले T20 मुकाबले के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में खतरनाक खिलाड़ियों की एंट्री कराई है और नए खिलाड़ियों को खेलने का मौका दिया है। और उन्हीं में से कुछ पुराने खिलाड़ियों को टीम इंडिया की प्लेइंग 11 से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। दोस्तों इस पहले T20 मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 7 बड़े बदलाव कर दिए हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच में होने वाले पहले T20 मुकाबले के लिए टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कौन कौन से खतरनाक खिलाड़ियों को शामिल किया है और कौन कौन से फ्लॉप खिलाड़ियों को पूरी तरह से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। और दोस्तों बांग्लादेश के खिलाफ होने वाले पहले T20 मुकाबले में आखिर कैसी होने वाली है भारतीय टीम की खतरनाक प्लेइंग 11। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको टीम इंडिया की प्लेइंग 11 तो बताने वाले ही हैं, इसी के साथ में हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच में खेली जाने वाली T20 सीरीज के तीनों T20 मुकाबले कब, कहां पर और कितने बजे से खेले जाएंगे। और इन सभी मुकाबलों को आप अपने मोबाइल फोन पर कौन से ऐप में बिल्कुल फ्री में देख पाएंगे। दोस्तों पूरी की पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं, इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल क्रिकेट कायरप को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके एक सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और इसमें आपका कुछ भी नहीं जाता। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को दिल से एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस शानदार वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करें टीम इंडिया के T20 फॉर्मेट में प्रदर्शन की, तो 2024 के T20 वर्ल्ड कप से अभी तक टीम इंडिया ने कुल 8 T20 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 5 T20 मुकाबले जिम्बाब्वे के खिलाफ टीम इंडिया खेली थी, जिनमें से 4 T20 मुकाबलों में भारतीय टीम को शानदार तरीके से जीत मिली थी। और वहां पर टीम इंडिया ने T20 सीरीज को 4-1 से बड़े ही शानदार तरीके से अपने नाम कर लिया था। लेकिन दोस्तों जिम्बाब्वे दौरा समाप्त होने के बाद भारतीय टीम श्रीलंका दौरे पर गई थी, वहां पर टीम इंडिया 3 T20 मुकाबले सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में खेली थी और तीनों ही T20 मुकाबले टीम इंडिया ने जीत लिए थे, जिसमें से टीम इंडिया ने अपना आखिरी T20 मुकाबला 30 जुलाई को खेला था। टीम इंडिया का अपना आखिरी T20 मुकाबला ड्रॉ हो गया था और भारतीय टीम ने इस T20 सीरीज के आखिरी T20 मुकाबले को सुपर ओवर में जीत लिया था। दोस्तों 2024 के T20 वर्ल्ड कप समेत अब तक अगर टीम इंडिया का प्रदर्शन देखा जाए तो भारतीय टीम ने T20 फॉर्मेट में काफी ज्यादा खतरनाक प्रदर्शन किया है और इसी वजह से टीम इंडिया T20 फॉर्मेट की नंबर 1 टीम भी बन गई है। दोस्तों श्रीलंका दौरे के समाप्त होने के बाद और श्रीलंका से T20 सीरीज को जीतने के बाद भारतीय टीम 2 महीने से ज्यादा का समय के बाद टीम इंडिया अपना पहला T20 मुकाबला 6 अक्टूबर को ग्वालियर के माधवराज सिंधिया स्टेडियम में खेलेगी। वहीं पर दोस्तों बांग्लादेश के खिलाफ भारतीय टीम इस T20 सीरीज का अपना दूसरा T20 मुकाबला 9 अक्टूबर को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में खेलेगी। वहीं पर दोस्तों बांग्लादेश के खिलाफ अपनी T20 सीरीज का तीसरा और आखिरी T20 मुकाबला 12 अक्टूबर को टीम इंडिया हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में खेलेगी। और दोस्तों ये सभी मुकाबले आपको अपने मोबाइल फोन पर जियो सिनेमा के ऐप पर शाम के 7 बजे से देखने को मिलेंगे। दोस्तों बांग्लादेश के खिलाफ इस T20 सीरीज में भारतीय टीम के खतरनाक खिलाड़ियों की बात करें तो यहाँ पर इस T20 सीरीज में बांग्लादेश के खिलाफ टीम इंडिया का कप्तान एक बार फिर से सूर्यकुमार यादव को बनाया गया है, जबकि भारतीय टीम का वाइस कैप्टन यहाँ पर हार्दिक पांड्या को बनाया गया है।
दोस्तों बांग्लादेश के खिलाफ होने वाले पहले टी20 मुकाबले के लिए भारतीय टीम की खतरनाक प्लेइंग 11 के बारे में बात करें और टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में भारतीय टीम के खतरनाक ओपनिंग जोड़ी की बात करें तो ओपनिंग जोड़ी में यहां पर बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि टीम इंडिया के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और सुमन गिल को टीम इंडिया के स्क्वाड से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया है। दोस्तों सुमन गिल और यशस्वी जायसवाल की जगह पर यहां पर संजू सैमसन और टीम इंडिया के ताबड़तोड़ बल्लेबाज अभिषेक शर्मा की वापसी हो गई है। ये दोनों ही खिलाड़ी इस टी20 सीरीज के पहले टी20 मुकाबले में बांग्लादेश के खिलाफ टीम इंडिया की ओपनिंग करते हुए नजर आने वाले हैं। दोस्तों संजू सैमसन की बात करें तो संजू सैमसन को बतौर विकेट कीपर टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है। संजू सैमसन को श्रीलंका दौरे पर भी भारतीय टीम के लिए खेलने का मौका मिला था, लेकिन दोस्तों वहां पर संजू सैमसन अपनी बल्लेबाजी से कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए थे। लेकिन दोस्तों टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने एक बार फिर से संजू सैमसन पर भरोसा जताया है और संजू सैमसन को टीम इंडिया के स्क्वाड में भी और भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में भी खेलने का मौका दिया है। हालांकि संजू सैमसन काफी शानदार खिलाड़ी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि संजू सैमसन राजस्थान रॉयल्स की तरफ से IPL में काफी खतरनाक प्रदर्शन करते हैं और राजस्थान रॉयल्स के कप्तान भी हैं। IPL में बड़ी बड़ी पारियां खेलकर संजू सैमसन अपनी टीम के लिए विजेता बनाते हैं। वहीं पर दोस्तों अगर दूसरी तरफ बात करें अभिषेक शर्मा की तो अभिषेक शर्मा भी टीम इंडिया के काफी खतरनाक ओपनर बल्लेबाज हैं। हालांकि अभिषेक शर्मा को ज्यादा इंटरनेशनल मुकाबले खेलने का अनुभव तो नहीं है, लेकिन दोस्तों अभिषेक शर्मा को BCCI ने जिम्बाब्वे दौरे पर 5 T20 मैचों की सीरीज के लिए टीम इंडिया के स्क्वाड में शामिल किया गया था, जिसमें से अभिषेक शर्मा को सभी मुकाबलों में खेलने का मौका मिला था। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि दूसरे ही T20 मुकाबले में अभिषेक शर्मा ने जिम्बाब्वे के खिलाफ शानदार शतक जड़ दिया था और अभिषेक शर्मा भारतीय टीम के लिए काफी शानदार प्रदर्शन किए थे। इतना ही नहीं, अभिषेक शर्मा सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से खेलते हुए IPL में भी काफी धमाकेदार प्रदर्शन करते हैं और अपनी टीम के लिए ओपनिंग जोड़ी में काफी खतरनाक बल्लेबाजी करके मुकाबले भी जिताते हैं। इसीलिए अगर यहां पर देखा जाए तो भारतीय टीम की ओपनिंग जोड़ी बांग्लादेश के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में काफी ज्यादा खतरनाक नजर आ रही है। वहीं पर दोस्तों अगर बात करें तीसरे नंबर के बल्लेबाज की तो तीसरे नंबर पर यहां पर खुद टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव खेलते हुए नजर आने वाले हैं। सूर्यकुमार यादव टी20 के काफी ज्यादा खतरनाक बल्लेबाज हैं और सूर्यकुमार यादव लंबे समय से टीम इंडिया के लिए और टी20 रैंकिंग में नंबर 1 पर मौजूद रहे हैं। लेकिन दोस्तों इस समय सूर्यकुमार यादव टी20 रैंकिंग में दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड मौजूद हैं। दोस्तों सूर्यकुमार यादव IPL में मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हैं, जहां पर IPL में काफी खतरनाक बल्लेबाजी करते हैं। इसी के साथ में इंटरनेशनल मुकाबलों में भी टीम इंडिया के लिए सूर्यकुमार यादव ने काफी खतरनाक प्रदर्शन किया है और कई मुकाबलों में भारतीय टीम के लिए जीत दिलाई है। इसी वजह से सूर्यकुमार यादव टीम इंडिया के लिए काफी ज्यादा शानदार बल्लेबाज हैं और भारतीय टीम के लिए बांग्लादेश के खिलाफ भी पहले टी20 मुकाबले में अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से मुकाबला जितवा सकते हैं। वहीं पर दोस्तों अगर बात करें पहले टी20 मुकाबले के लिए बांग्लादेश के खिलाफ प्लेइंग 11 में चौथे नंबर की तो चौथे नंबर पर यहां पर टीम इंडिया के खतरनाक ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या खेलते हुए नजर आने वाले हैं। हार्दिक पांड्या भारतीय टीम के लिए काफी ज्यादा खतरनाक गेंदबाजी और बल्लेबाजी करते हैं और टीम इंडिया के शानदार ऑलराउंडर हैं और भारतीय टीम के लिए बड़ी बड़ी टीमों के खिलाफ बड़े बड़े मैचों में अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी से मुकाबले जिताते हैं। इसी वजह से एक बार फिर से हार्दिक पांड्या को सूर्यकुमार यादव ने टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में खेलने का मौका दिया है। दोस्तों अगर इसी के साथ में बात करें पांचवें और छठवें नंबर की तो यहां पर पांचवें नंबर पर रिंकू सिंह और छठवें नंबर पर रियान पराग को खेलने का मौका मिला है। दोस्तों पहले टी20 मुकाबले में रिंकू सिंह और रियान पराग पांचवें और छठवें नंबर पर खेलते हुए नजर आने वाले हैं। ये दोनों ही खिलाड़ी टीम इंडिया के बेहद ही खास खिलाड़ी हैं और भारतीय टीम के लिए अपनी गेंदबाजी में भी धार दिखाते हैं और अगर बल्लेबाजी की बात करें तो ये दोनों ही खिलाड़ी शानदार फिनिशर हैं और टीम इंडिया के लिए लंबे लंबे छक्के लगाकर किसी भी टीम के छक्के छुड़ा सकते हैं। और दोस्तों अगर यहाँ पर सातवें और आठवें नंबर की बात करें तो सातवें नंबर पर टीम इंडिया के शानदार ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर और आठवें नंबर पर यहाँ पर भारतीय टीम के शानदार स्पिन गेंदबाज रवि बिश्नोई खेलते हुए नजर आने वाले हैं।
रवि बिश्नोई और वॉशिंगटन सुंदर ने श्रीलंका दौरे पर टी20 सीरीज में काफी शानदार प्रदर्शन किया था और टीम इंडिया के लिए गेंदबाजी और बल्लेबाजी से मुकाबले जिताए थे। इसी वजह से ये दोनों ही खिलाड़ी एक बार फिर से टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में शामिल हो गए हैं। और दोस्तों अगर यहाँ पर इसी के साथ में 9वें और 10वें नंबर की बात करें तो 9वें नंबर पर यहाँ पर वरुण चक्रवर्ती की वापसी हो गई है। जी दोस्तों, वरुण चक्रवर्ती बांग्लादेश के खिलाफ होने वाले पहले टी20 मुकाबले में खेलते हुए नजर आने वाले हैं। वरुण चक्रवर्ती टीम इंडिया के मिस्ट्री स्पिनर हैं और भारतीय टीम के लिए शानदार गेंदबाजी कर सकते हैं। अगर बात करें अर्शदीप सिंह की तो अर्शदीप सिंह का तो कोई जवाब ही नहीं है, क्योंकि अर्शदीप सिंह ने 2024 के टी20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के लिए बड़ी बड़ी टीमों के खिलाफ खतरनाक गेंदबाजी करके मुकाबले जिताए थे। इसी वजह से अर्शदीप सिंह टीम इंडिया के महत्वपूर्ण गेंदबाज बन गए हैं और अब पहले टी20 मुकाबले में खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और अगर बात करें 11वें नंबर के खिलाड़ी की तो 11वें नंबर पर यहां पर मयंक यादव, टीम इंडिया की स्पीड गन मयंक यादव की वापसी हो गई है। जी हां दोस्तों, ये वही मयंक यादव हैं जो लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से खेलते हुए आईपीएल 2024 में तहलका मचा दिए थे। मयंक यादव अभी तक के भारतीय टीम के सबसे तेज गेंदबाजों में से एक हैं। मयंक यादव ने 2024 के टी20 वर्ल्ड कप में लखनऊ की तरफ से खेलते हुए 157 की स्पीड से गेंद फेंकी थी। इसी वजह से मयंक यादव की टीम इंडिया में वापसी हो गई है और मयंक यादव भारतीय टीम में खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जहां पर मयंक यादव तेज गेंदबाजी तो करते ही हैं, लेकिन इसी के साथ में मयंक यादव के पास लाइन लेंथ भी काफी शानदार है। इसी वजह से मयंक यादव आने वाले समय में टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज बन सकते हैं। दोस्तों अगर यहां पर देखा जाए तो संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, रियान पराग, वॉशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, वरुण चक्रवर्ती और मयंक यादव की वापसी होने के बाद टीम इंडिया की प्लेइंग 11 पहले टी20 मुकाबले में काफी ज्यादा खतरनाक नजर आ रही है। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में होने वाले पहले टी20 मुकाबले में भारत और बांग्लादेश में से कौन सी टीम जीतेगी? आप हमें कमेंट करके अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।